गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो बेटा, मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, है ना। और हिंदी के अंदर अपनी एक पुस्तक, अपनी दो किताबें ना ऐसी हिंदी की बेटा, जो एक की मैंने तीन चार पार्ट को कंप्लीट करवा दी बेटा। अब ऐसी नई बुक निकालो, सब बच्चे दिख रही है आपको ये बुक बेटा, कल्पवर्ष। बुक का नाम क्या बेटा? कल्पवर्ष। इस बुक में क्या है अपने पर? हिंदी व्याकरण एवं रचना, यानी हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण के पार्ट को पढ़ेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये हमारे पास बुक है, नई बुक क्यों है? भाई शुरू से आपके पास व्याकरण की बुक आई है, थर्ड हो फोर्थ तो क्यों आती है? ताकि व्याकरण से क्या होता है बेटा, आप जो पाठ्य पुस्तक पढ़ते हो इससे क्या होता है? अशुद्धियाँ दूर होती है। व्याकरण क्यों पढ़ते बेटा? यानी शब्दों का ज्ञान हो और अशुद्धियाँ दूर हो, इसीलिए हम क्यों क्या पढ़ते बेटा? व्याकरण पढ़ते हैं। तो देखो सबके पास ये बुक है बेटा, सबने निकाल दी ऐसी बुक। इसके लिए एक नोटबुक भी नहीं बनानी बेटा आपको, उस कॉपी में अपन वो वाला काम करते, कॉपी नंबर वन थी, एक कॉपी नंबर टू चलेगी, इसके ऊपर टू लिख लेना बेटा, ठीक है। और एक उस कॉपी के अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, सब्जेक्ट, क्लास, सब कुछ लिखना है और कॉपी पर कवर चढ़ाना है, ठीक है बेटा। और इसकी कॉपी 200-250 पेज की आपको बनानी है। अब मैं जो कार्य करवाती हूँ आपको इसी कॉपी में करना है। तो अपना पहला पार्ट चलेगा व्याकरण और भाषा। निकालो देखिए, पहला पार्ट निकालो देखिए बेटा, सब बच्चे निकालो जल्दी से। देखिए भाषा और व्याकरण, अब आप जानते हो भाषा के बारे में, भाई भाषा क्या होती सब जानते हो ना बेटा आप? भाषा क्या होती है आप सब जानते हो? जानते हो क्योंकि हम फर्स्ट क्लास से लेकर हम फोर्थ तक हम भाषा पढ़ते हुए आए। और आप कौन सी क्लास में आ गए बेटा? फिफ्थ में आ गए हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी क्या है? बोर्ड क्लास है ना बेटा। तो हर चीज़ को, हर पार्ट को हमें बारीकी से पढ़ना है, एक ही चीज़ को हमें पढ़ना है, ताकि हम एग्ज़ाम सेंटर में जाके घबराए नहीं कि हमने चीज़ नहीं पढ़ी है, ठीक है ना बेटा। तो आपको सूक्ष्म तरीके से हर एक चीज़ को पढ़ना है। तो पार्ट वन अपना क्या चलेगा? भाषा और व्याकरण। भाषा के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा भाषा का हम रूप का सा विस्तार रूप पढ़ेंगे हम। व्याकरण का रूप पढ़ते आए अपन, लेकिन उसका क्या करेंगे? थोड़ा बड़ा रूप पढ़ेंगे। आप सिक्स में चले जाओगे तो उसका थोड़ा बड़ा रूप आएगा, ठीक है ना बेटा। तो देखो निकाल दिया अपने सबने पाठ्य पुस्तक, पार्ट वन निकाला, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ बेटा। देखो हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में। पहले एक बार इसका परिचय वगैरह सुन लेना, है ना, यानी पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा, हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं ना, कुछ नियम है इसकी जो सुन लेना। सुनो देखो बच्चों, पढ़ना एक बार, रीडिंग लगा रही बेटा मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रीडिंग लगाऊंगी और फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है बेटा। स्टार्ट, वेरी गुड। देखो बच्चों, पिछली कक्षाओं से आप भाषा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। मैंने कहा ना, आप फर्स्ट क्लास से लेकर अब तक भाषा के बारे में पढ़ते आ रहे हो, भाषा क्या होती है। आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई। भाई ये आपकी समस्या हमने फोर्थ में सोल्व कर ली थी बेटा, यानी भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा आपको आती है, तो इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, ऐसा क्या रीजन था कि भाषा का विकास करना पड़ा हमें, है ना। तो देखो आगे, तो आओ इसके बारे में कुछ जाने। हमारे पूर्वज बंदर थे, आप जानते हो बेटा हमारे पूर्वज बंदर थे, मतलब बंदर जैसा रूप नहीं था, उनके आकार था, मतलब बंदर जैसा आकार था। उनके पास भाषा नहीं थी, आप जानते हो आदि मानव के बारे में पढ़ा ना, आदि मानव के बारे में, आदि मानव की कोई भाषा नहीं थी। वो पेड़ों की पत्तियाँ वगैरह को ही कपड़े पहनता था, कच्चा मांस खाता था, उसके बाद उसने धीरे धीरे सिक्का हुआ मांस खाने लगा, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार, धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। और अपनी भाषा, उसकी कोई भाषा नहीं थी, वो ओनली वाणी के माध्यम से, यानी इशारों के माध्यम से एक दूसरे को अपनी बात समझाते थे, ठीक है। उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं था, ये ध्यान रखना, आदि मानव को, हमारे पूर्वजों को भाषा का ज्ञान नहीं था। हेडिंग क्या लोगे आप? हमारे पूर्वजों को भाषा का ज्ञान नहीं था। आपको लिखना नहीं बेटा, ओनली समझाने के लिए पॉइंट लिखा है, यानी हमारे पूर्वजों को भाषा का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना, भाषा का ज्ञान नहीं था। तब वे इशारों से ही अपने विचारों को प्रकट करते थे, उनको अपनी बात को कहने का कौन सा माध्यम था? इशारों व संकेतों, भी कह सकते हैं इशारों व संकेतों से, क्या था? इशारों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से वो क्या करते, अपने विचारों को प्रकट करते थे।
अपने विचारों को अपने साथियों को बताने के लिए उन लोगों द्वारा कुछ आवाज़ें निश्चित वस्तुओं को और कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। यानी कुछ ऐसी आवाज़ें थी उनके प्रति, आ यानी बुलाना होता, यानी कुछ ऐसी तुक ध्वनियाँ थी। तो इसके माध्यम से प्रत्येक मानव ये समझता था कि हाँ इस बात का ये इशारा होगा, यानी हमें ये कहना चाहता है। कई तरह के पशु पक्षियों की आवाज़ तथा प्रकृति की कई चीज़ों तथा वायु जल अग्नि आदि से उत्पन्न ध्वनियों को नए प्रतीक दिए गए जो कालांतर में भाषा बन गई। यानी मान लो आग जल रही है तो आग को उन्होंने अपने मन से कुछ नाम दे दिया, है ना, संकेत से अपनी वाणी से कुछ नाम दे दिया और आज भी हम उसको पढ़ते आ रहे हैं। उन लोगों ने पत्थरों और चट्टानों पर भी कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए थे। अब मेरी बात सुनो, वो क्या करें, जैसे मान लो उनको दिशाओं का ज्ञान नहीं है, उत्तर का है, पूर्व का है, पश्चिम का है, तो क्या करते हैं, इसे पत्थर ले लिया, बहुत बड़ी चट्टान होती थी तो पत्थरों के ऊपर हथौड़ी तो थी नहीं, उनके पास पौने पौने पत्थर थे उनके पास, है ना, तीखों ने पत्थर, उन्हीं से छेद कर करके वो क्या करते थे, संकेत बनाते, यानी हमें इस दिशा में हमें वो चीज़ मिलेगी, इस दिशा में हमें वहाँ जाना है। यानी वो संकेतों के माध्यम से अपने धीरे धीरे अपने मानव विकास करता करता आज हम वैज्ञानिक युग में पहुँच चुके हैं, मशीनी युग में हम पहुँच चुके हैं। इन चिन्हों और संकेतों से भाषा बनती चली आई। केवल मनुष्य ही भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान कर सकता था। इम्पोर्टेंट लाइन, पहले भी मनुष्य ही विचारों का आदान प्रदान कर सकता था और आज भी मनुष्य ही भाषा का या विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। क्या जानवर कर सकता है कि बेटा, बंदर कर सकता है कि अपनी बात नहीं कर सकता, गाय बैल नहीं कर सकते, है ना। तो देखो, मनुष्य ही भाषा का विकास किया है और मनुष्य में अपनी जो बुद्धि है, इस बुद्धि के अंदर मनुष्य के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है। मनुष्य के अंदर क्या क्या होती है बेटा, अपनी इस बुद्धि के अंदर मनुष्य में तर्क वितर्क, चिंतन, समस्या का समाधान करना, यानी मनुष्य तर्क वितर्क कर सकता है, सत्य असत्य के बारे में बता सकता है, यानी क्या बात सही है और क्या गलत है, चिंतन कर सकता है, यानी वो सोच सकता है, विचार कर सकता है कि हमें आगे ये करना है। उनके सामने कोई समस्या आ गई मनुष्य के सामने, तो वो उस समस्या का हल निकाल सकता है ना बेटा। तो मनुष्य में क्या है, चिंतन शक्ति है, बुद्धि है मनुष्य में, हालांकि बुद्धि जानवर में भी है, लेकिन उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, मनुष्य की बुद्धि का विकास हो गया। यानी मेन बात यह है, मनुष्य विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, अपने मन की बात दूसरों को बोल सकता है, लेकिन जानवर नहीं कर सकता। अब आगे देखो, आपको समझ में आ गया, यानी हमारी भाषा का विकास किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचा है। हम पढ़ेंगे भाषा की आवश्यकता, पॉइंट डालो, भाषा की आवश्यकता लिखना नहीं बेटा भी आपको, देखो मैं पाठ समझाऊंगी पहले, भाषा की आवश्यकता भाई, ऐसा क्या हो गया भाई, मनुष्य अपना जीवन जी रहा था, कच्चा मांस भी खा रहा था वो, फिर सिका हुआ मांस भी खाने लग गया, आराम से अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मनुष्यों को भाषा की आवश्यकता महसूस हुई, ऐसा क्या हो गया जो मनुष्य को भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। पहले तो आपको भाषा से को पता है क्या होती है, समझो मैं समझा लेती हूँ। देखो भाषा क्या होती है, मैं आपसे जो बात कर रही हूँ बेटा वो मेरी भाषा है, आप मेरी बात को सुन रहे हो और दोबारा उसको बोल रहे हो, वो आपकी भाषा है। क्या है बेटा, वो आपकी भाषा है। यानी मनुष्य अपने भावों व विचारों को जब प्रकट करता है और दूसरा मनुष्य उस भावों और विचारों को समझता है, वो आपकी क्या हो गई बेटा, भाषा हो गई। तो आपको भाषा की परिभाषा समझ में आ गई, भावों तथा विचारों को प्रकट करना हमारी भाषा है। बोलो, भावों व विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। बोलो एक बार और बोलो, भावों व विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। एक बार इसकी परिभाषा लिख लो, फिर मैं समझाती हूँ आपको बेटा। तो आपको की परिभाषा देखोगे ब्लैक बोर्ड पर तो आपको याद भी होती रहेगी। बोलो, भावों
व विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। तो बेटा समझ में आ गया, एक बार परिभाषा याद कर लो, भावों व विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। यानी मैंने जो आपको लिखा है वो मेरी कौन सी भाषा हो गई बेटा, लिखित भाषा हो गई। मैं जो आपको बोलकर समझा रही हूँ मेरी कौन सी भाषा हो गई, मौखिक भाषा। कभी कभी मैं हाथ ऐसे करती हूँ समझा, इशारा करती हूँ ऐसे, हाँ इसका ऐसे, तो ये मेरा क्या है, सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा है मेरी, सांकेतिक भाषा। तो अब देखो आपने भाषा पढ़ लिया, भाषा क्या होता है। अब देखो भाषा की आवश्यकता मनुष्य को क्यों हुई, ऐसे परिभाषा आपको लिखनी है। आगे देखो भाषा की आवश्यकता, भाई ऐसा क्या हो गया था जो मनुष्य को भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। भाई ऐसा कुछ तो कारण रहा होगा जो मनुष्य ने भाषा बनाई और भाषा की आवश्यकता को महसूस करा। देखो सुनो, मानव जब जंगलों में रहता था, आप जानते हो आदि मानव कहाँ रहता था बेटा, जंगलों में। कहाँ रहता था, जंगलों में। तब उसका जीवन पशुओं से मिलता जुलता था, क्योंकि जंगल में तो जानवर पशु ही रहते हैं, और मनुष्य कहाँ रहता था बेटा, जंगल में। तो जानवर पशु सब एक साथ रहते थे, एक साथ रहते। तो उसका व्यवहार मनुष्य का जो व्यवहार था, मनुष्य का व्यवहार यानी आचरण, मनुष्य का जो व्यवहार था, व्यवहार यानी आचरण, व्यवहार का अर्थ क्या होगा, आचरण। यानी मनुष्य का जो व्यवहार था, उसका जो आचरण था, उसका जो रहने का ढंग था, वो पशुओं से मिलता जुलता था। क्योंकि आप जानते हो जैसी संगति में रहेंगे वैसा प्रभाव आप पर पड़ेगा। आप अच्छे मित्रों के साथ रहोगे तो आपके व्यवहार में, आपके आचरण में अच्छा व्यवहार समाहित होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा बेटा, होगा ना। अगर आप बुरे व्यक्ति के साथ रहोगे, बुरे बालकों के साथ रहोगे, उद्दंड बालकों के, शैतानी बालक के अगर आप साथ रहते हो, तो आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। तो आप कैसे मित्रों के साथ रहना पसंद करोगे बेटा, अच्छे मित्रों के साथ रहना पसंद करोगे। आपके कुछ मित्र बुरे हैं तो आप उन्हें अच्छा बनाने का प्रयास भी करोगे। तो आगे देखो, शिकार करके या जंगली फल आदि खाकर वह भूख मिटाता था। गर्मी सर्दी और बरसात से बचने के लिए गुफाओं में रहता था। भाई मनुष्य हैं, उस पर सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसका प्रभाव तो उस पर पड़ेगा, हमारे पर तक नहीं पड़ता है। सर्दी आती है तो हम सर्दी के कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी आती है तो हम गर्मी के कपड़े पहनते हैं, बसंत आती है तो हम बसंत के कपड़े पहनते हैं। यानी हम वातावरण के अनुकूल जीते हैं, जैसा वातावरण हमें मिलता है उसी के अनुकूल हम कपड़े पहनते। उसी प्रकार मनुष्य भी क्या करता था, सर्दी और गर्मी से बचने के लिए कहाँ रहने लग गया था बेटा, वो गुफा के अंदर। कारण लग गया था गुफा के अंदर, और अपना पेट कैसे बताता, आपको भूख लगती है ना बेटा। हर जानवर, हर पशु, हर जो सजीव प्राणी है जिसमें जीवन है, सबको क्या लगती है बेटा, भूख लगती है। और भूख की हमें आवश्यकता होती है, और हमारी आवश्यकता को, आवश्यकता यानी परणोद, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम या तो जानवरों का शिकार करते हैं या फल फूल खाते हैं। यानी हमें तो आज के टाइम में पौष्टिक भोजन मिलता है, हम भोजन करते हैं, लेकिन आदि मानव के पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी। वो क्या करता था, पेड़ों के पत्ते खाता था, पेड़ों के फल फूल खाता था, या शिकार करके अपना पेट भरता था। आगे देखो, तब उसे अपने मन के भाव प्रकट करने की आवश्यकता हुई। मान लो शिकार करा, कुछ कर रहा है, तो उसको किसकी आवश्यकता हुई, भाषा की आवश्यकता हुई। यानी अपने मन की बात कहने की आवश्यकता हुई। यानी दो आदि मानव एक साथ बैठे हुए, दो आदि मानव एक साथ बैठे हुए, तो दोनों ही आदि मानव को अपनी बात बताने की आवश्यकता हुई। मान लो दो मित्र बैठे हैं, चुपचाप थोड़ी बैठे रहेंगे वो, भाई ऐसे मौन होके थोड़ी बैठे रहेंगे, नहीं बैठेंगे ना मौन होके। तो उन्हें किसकी आवश्यकता महसूस हुई, भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। यानी जब दो मनुष्य आपस में बैठे हैं तो उनके मन में, दोनों के मन में विचार आए,
उनके मन में कुछ भाव आए लेकिन वो बता नहीं पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि उनके पास भाषा जैसी अमूल्य निधि नहीं थी। क्या नहीं थी उनके पास? भाषा नहीं थी। आपके पास अभी भाषा है, आप अपनी बात को बोलकर समझा सकते हो, लेकिन आदिमानव के पास ये सुविधा नहीं थी, तो उन्हें भाषा की आवश्यकता धीरे धीरे महसूस होने लगी। आगे देखो, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बहुत अच्छी लाइन है बेटा, इस पर अंडरलाइन करो। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। किसी भी चीज़ का आविष्कार कब होता है? कब होता है किसी भी चीज़ का आविष्कार? जब हमें आवश्यकता होती है। जब हमें भूख की आवश्यकता होगी तो हम खाना बनाएंगे और खाना खाएंगे, यानी किसी भी तरीके से हम भोजन प्राप्त करेंगे, भले वो मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, सर्वाहारी हो, कोई से प्रकार हो। जब हमें भूख लगती है तो हम अपनी भूख मिटाते। क्यों मिटाते? जब हमें आवश्यकता होती है। जब हमें आप विद्यालय क्यों आते हो? आपको आवश्यकता है ज्ञान प्राप्त करने की, है ना बेटा? तो जब तक हमारी आवश्यकता नहीं होगी हम नया कार्य नहीं करेंगे। जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है हम नया कार्य नहीं करते। यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब आगे देखो, प्रारंभ में उसने हास्य कुछ संकेतों द्वारा अपने मन के भावों का आदान प्रदान किया। सबसे पहले उसने संकेत विधि को अपनाया। भाषा के तीन रूप है बेटा, कौन कौन से रूप है? मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप, जानते हो आप। लेकिन सबसे पहले उसने सांकेतिक भाषा का प्रयोग करा। आदिमानव जो था वो हमारे पूर्वज जो थे, उन्होंने सबसे पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग करा। क्यों करा? क्योंकि उनके पास भाषा नहीं थी। जो आपने मन की बात बोलते हो ना, मैं बोलती पेन है, ये ब्लैक बोर्ड है, तो उनको ये पता नहीं था इसको हम पेन बोलेंगे, इसको हम ब्लैक बोर्ड बोलेंगे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं थी? भाषा नहीं थी। संकेतों से जब काम चलना कठिन लगने लगा, वो क्या करते थे? बुलाना होगा तो ऐसे इशारा करेंगे, खाना होगा तो ऐसे इशारा करेंगे, है ना? तो यानी संकेतों के माध्यम से काम चला था, लेकिन उन्हें इन कार्यों में क्या आने लगी बेटा? कठिनाई आने लगी, क्योंकि हर बात अपने संकेत के माध्यम से हम नहीं समझा पाते बेटा। तो आगे देखो, तब उसने कुछ ध्वनियों का प्रयोग किया। ध्वनियों का यानी अपनी आवाज़ निकालना स्टार्ट करा। अपने मुख से, अपने मुख आहार से उसने क्या करा? आवाज़ निकालना प्रारंभ करा। ये ध्वनियाँ ही शब्द बनी और शब्दों से भाषा का जन्म हुआ। अब देखो क्या था, अपने मुख से क्या निकली? ध्वनियाँ निकली। क्या निकली? ध्वनियाँ। ध्वनियों से क्या हुआ? शब्द का निर्माण हुआ। क्या हुआ बेटा? शब्द का निर्माण हुआ। शब्द के निर्माण के बाद भाषा बनने लगी। तो समझ में आया बेटा? सबसे पहले ध्वनियाँ निकली, ध्वनियों से कुछ शब्द बने और शब्दों से धीरे धीरे शब्दों को जोड़ जोड़ के भाषा का निर्माण हुआ। हर समूह ने अपनी अपनी ध्वनियों के अपने अपने अर्थ निश्चित कर लिए। हर समूह ने, मान लो किसी ने तालाब के अंदर पानी को देखा है ना, यानी हम जो भाषा यूज कर रहे हैं आज, प्रयोग में ले रहे, वो हमारे पूर्वजों को ही देन है। मैं तो ये मानती अपने पूर्वजों को ही देन है। मान लो आदिमानव तालाब के अंदर पानी को देखा है, यानी किसने बोल देगा पानी, उसके मुख से क्या निकल गया? पानी। दूसरे मनुष्य सुना, उसने भी उसको पानी कहा। तीसरे ने सुना तो उसने पानी सुना। तो अगली बार जब पानी की आवश्यकता हुई, है ना, तो इनके मुंह से पानी निकला, तो सब समझिए पानी की आवश्यकता हुई, पानी की आवश्यकता हुई, तो उस पानी शब्द को उन्होंने क्या दे दिया? पानी नाम दे दिया। इसी प्रकार भाषा का निर्माण हुआ। यही कारण है कि एक स्थान की भाषा दूसरे स्थान की भाषा से अलग थी। अलग तो होगी होगी बेटा, क्योंकि एक गांव है, इसकी भाषा है, इनकी बोलचाल में बात शब्द आ रहा है, यानी उसने पानी शब्द यूज करा के दूसरा गांव थोड़ी जानता है किसको पानी बोलना है। जब इस गांव का मनुष्य उस गांव में जाएगा तो बोलेगा भाई इसको पानी बोलना है, तो समझेगा। यानी अब हमारे भारत में भी यही कंडीशन है बेटा। हमारे भारत में इतने राज्य हैं, लेकिन लगभग राज्यों की भाषा क्या है बेटा? अलग अलग हुए। कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली भाषा बोलता है, है ना, कोई उर्दू बोलता है। तो हमारे राज्य में भी अनेक तरह की भाषाएं हैं। वैसे वैसे भाषा का विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी, तो गांव और शहर बने। भाई पहले छोटा सा कस्बा था, कस्बा से छोटा सा गांव बना, गांव से बड़ा नगर बना, शहर बना, बना ना, शहर से भारत बना, पूरा विश्व बना। यानी हमारी प्रकृति ने धीरे धीरे मनुष्य का विकास करा है। इसी प्रकार जब एक पीढ़ी के ज्ञान को
आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस की गई तब भाषा के लिखित रूप का जन्म हुआ। अब देखो आपने सांकेतिक रूप भी समझ लिया, मौखिक भी रूप समझ लिया, अब लिखित रूप तो आया नहीं, तो क्या हुआ था? एक पीढ़ी की बात दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लिखित भाषा का प्रयोग करा, यानी उन्हें लिखना पढ़ना सीखा और उनकी जो लिखित चीज़ थी वो अब आज ही पढ़ते हैं। भाई महाराणा प्रताप हैं, अकबर हैं, या महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, आज वो हमारे बीच नहीं रहे लेकिन आज भी हम उनके बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते। क्यों जानते बेटा? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को लिखा है जो उनके समय में घटित हुई थी, उन्होंने उनको लिखा है, तभी तो आज हम उनको पढ़ पा रहे ना बेटा, आज हम उनको पढ़ पा रहे। आज हम जानते हैं महाराणा प्रताप कौन थे, उन्होंने क्या क्या कार्य करा, सब कुछ जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनकी जो घटनाओं को उस समय लिखा गया था, उनकी भावों को, उनकी बातों को लिखित रूप दिया गया था, इसलिए तो हम जानते हैं कि वो कौन थे। आगे देखो, तब भाषा को लिखित रूप का जन्म हुआ। अब देखो भाषा के बारे में पढ़ेंगे हम। अब आपको समझ में आ गया बेटा भाषा की आवश्यकता क्यों हुई थी? बेटा मनुष्य सबसे पहले संकेतों का प्रयोग करने लगा, संकेत से उसकी बात नहीं बनी तो उसने क्या करने लगा, अपने शब्दों को निश्चित कर लिया। भाई इसको ब्लैक बोर्ड बोलना है तो सभी ब्लैक बोर्ड ही बोलेंगे। उस एरिए के अंदर भाषा का धीरे धीरे विकास होने लगा। देखो एक बार भाषा को रिपीट करो, भाषा क्या होती है बोलो? भावों व विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। अब भाषा के तीन रूप होते हैं, नीचे लिखो यहाँ पर। भाषा के तीन रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते बेटा? तीन रूप। बोलो भाषा के कितने रूप होते बेटा? तीन रूप। कौन कौन से रूप होते हैं बोलो? देखें, मौखिक भाषा। भाषा के कितने रूप होते बेटा? भाषा के तीन रूप होते। कितने रूप होते? तीन रूप। मौखिक भाषा लिखित भाषा और कौन सी भाषा होती बेटा बताओ? पिछली क्लास पढ़ाया ना आपने सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक। तो आपको पहले क्या याद करना है, यानी भाषा क्या आवश्यकता क्यों हुई, मैंने विवरण पूरा समझा दिया आपको। आपको मुख जवानी उसको लिखना नहीं है, मुख जवानी याद करना है, यानी आपको कोई पूछ दे भाई भाषा क्यों उत्पन्न हुई है, इसे क्या जरूरत पड़ी भाषा को अपनाया गया, तो आपको पूरा विवरण याद होना चाहिए, ऐसा क्या था तो भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। तो देखो पहले भाषा याद करनी है, यानी भावों व विचारों को प्रकट करना भाषा है, यानी मैं जो बोल रही हूँ वो मेरी भाषा है, मैं जो लिख रही हूँ मेरी भाषा का लिखित रूप है। कभी कभी मैं इशारे से ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, वो मेरी क्या है? सांकेतिक भाषा है। तो भाषा के कितने रूप होंगे बेटा? तीन रूप होंगे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब इनमें जो शब्द बने, शब्द के भी रूप हो गए, शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, शब्द की बनावट किस प्रकार हुई, इसकी संरचना क्या थी, वो भी मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगी। तो आपको क्या करना है, इस परिभाषा को याद करना है बेटा और इन तीनों रूपों को याद करना, और ये इसके विस्तार मौखिक भाषा को पूरे विस्तार समझाऊंगी, तीनों ही भाषाओं को मैं पूरे विस्तार से आपको मैं अगली क्लास में समझाऊंगी। तो आप HW के लिए सुलेख डालेंगे, एक सुलेख अभी अपन ने पढ़ा था ना, क्या सुलेख था अपना? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लिखो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आपको क्या करना है बेटा, बहुत ही सुंदर स्पष्ट शब्दों में आपको क्या करना है,
सुलेख करना है, और जितना मैंने आपको समझाया है उसका आपको क्या करना, मनन करना है, सोचना है कि जब आदि मानव था उसने भाषा का प्रयोग कैसे करा है, हम भाषा का प्रयोग कैसे, उसको विचार करना लिखना नहीं है। और आपको याद क्या करना है, मैंने आपको याद करवा दिया, एक बार रिपीट करना है, इसको अपनी नोटबुक में उतारना है और इसको सुलेख को आपको HW में करना है, और उसके बाद में इसका आगे का आपको अगली क्लास में समझाऊंगी बेटा, ठीक है। इसी के साथ आज मेरी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।